जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर शहर में बर्ड फ्लू की दस्तक। शहर में गांधी कॉलोनी क्षेत्र में मृत मिले करीब 22 कौए। गांधी कॉलोनी में अलग अलग स्थानों पर मिले कौए। शहर में 2 दर्जन के करीब कौए मिलने से फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम। चिकित्सकों ने विसरा सैंपल किए एकत्रित। जो आज न्यूज पब्लिश हुई थी कि काफी ज्यादा क्रोज की डेथ हो रही है, तो बर्ड फ्लू की आशंका है। इसके लिए हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि पूरे जिले में जब भी कोई मतलब कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट होती हो जिसका कोई रीज़न नहीं हो, तो उसको इमिडिएटली आप बताएंगे ताकि उसको भोपाल में एग्जामिन कराया जा सके और बर्ड फ्लू जो फैलने का एक आशंका जताई जा रही है उसको रूल आउट किया जा सके। कुल नरसिंहों की ढाणी गांव में 10 सैंपल 10 कौवे मरे हुए पाए गए। एक जगह नहीं थे, 3 एक जगह थे, बाकी 2 एक जगह। इस तरह से कुल 10, जिनमें से 5 इंटैक्ट जो बॉडी थी उनको पशु चिकित्सा डिपार्टमेंट ने उनको सैंपल को कलेक्ट किया है और उनका सैंपल तैयार करके भोपाल भिजवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हमारे मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ जाएगा, भोपाल लेके जाएगा। और सभी से ये निवेदन है, जिले के सभी निवासियों से, कि कहीं भी इस तरह का कोई पक्षी मरा हुआ, उसकी एक साथ में मरे हुए या कोई सूचना उनको कहीं से जानकारी मिलती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या पशु चिकित्सा डिपार्टमेंट को सूचित करें ताकि हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। इसकी कितने दिनों में जांच आएगी और आगे क्या इसमें रहेगा? जांच इसकी 2-3 दिन में आने की संभावना है। कल शाम को 3 तारीख को शाम को के नरसिंहों की ढाणी जो है उसके अंदर कुछ कौए जो है मृत पाए गए हैं। मतलब कोई ग्रामीण वासी था, उन्होंने जो है इसको इंटीमेट किया है। तो हमने जो है हमारी जो संस्थाएं हैं या जो हमारे जो वर्कर हैं उनको हमने मोटिवेट करके उनको कहा कि आप जो भी जहां भी जगह हैं उनको इसको सर्च करें और जहां भी ऐसे मोर्टिलिटी है तो उसको अपने को वाच करके उसका इरिडिगेशन करें काम को। तो हमें जो है आज पशुपालन के विभाग के द्वारा जो है हमारी चिकित्सक द्वारा वहाँ पर जाके पोस्टमार्टम किया गया और साथ में जो है वहाँ पर जो संभावित एरिया के अंदर जो पक्षी थे उनका हमने सर्च किया और उसके बाद में हमें जाने के बाद में ये मालूम पड़ा कि वहाँ पे जो है करीब 10 जानवर जो है पक्षी जो है हमें मृत मिले अलग अलग, वो भी अलग अलग क्षेत्र में हैं जो उसकी दानियों के आसपास के। और हमने उनमें से कुछ इंटैक्ट बर्ड्स लेके और उनको सैंपलिंग के लिए जांच के लिए भोपाल भिजाए गए हैं। जो हमने सैंपल लिए हैं वो सैंपल भोपाल जाएंगे और भोपाल से उसका आइडेंटिफिकेशन होकर आ जाएगा कि वहाँ पर किस तरह का वायरस है या किस तरह का बीमारी है उसका अपने को मालूम पड़ जाएगा। और अभी एहतियात के तौर पर हमने सभी संस्थाओं को जो है पाबंद कर दिया है कि वो जो है इस तरफ से कोई भी अनवांटेड अगर बर्ड्स के अंदर कोई है एक्टिविटी तो उसको तुरंत इंटीमेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे।